हेलो दोस्तों, पेज नंबर 21 में हमें ये ड्राइंग बनाना है। ये ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम 86.7 का एक लाइन बनाते हैं दोस्तों। 86.7 एंटर एंटर, फिर इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ 30, ये लाइन हमें बनाने के लिए सेंटर लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है। 30 है यानी 15 ऑफसेट लगाएंगे। अभी हम ड्रॉइंग बनाएंगे आधा, बाद में उसका मिरर कर देंगे। कमांड लेते हैं डिराइड लाइन, इसको क्लिक, इस साइड 15 करके एंटर। फिर इसी लाइन का ऑफसेट लगा देते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 5, ठीक है, तो 5 करके एंटर। फिर जो नया लाइन आया है उसका ऑफसेट लगाना है हमें 7.5, ठीक है दोस्तों, 7.5 करके एंटर। तो आखिरी ये जो लाइन है हमें ये वाला लाइन मिल गया, ठीक है दोस्तों। अब हम लाइन कमांड लेते हैं, यहाँ से एक यहाँ तक एक लाइन बना लेते हैं। अब इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है ये वाला लाइन बनाने के लिए, यानी 20 और 10 30, 30 के ऑफसेट लगाते हैं हम। इसके ऊपर क्लिक, 30 करके एंटर। फिर ऊपर जाना है हमें, 10 का ऑफसेट लगाना है, तो 10 करके एंटर, ठीक है दोस्तों। और फिर इस पॉइंट के लिए हम ऑफसेट लगा देते हैं 35 का, 35 करके एंटर। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ से यहाँ एक लाइन हमें बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेना है, ठीक है दोस्तों। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देते हैं। पूरा प्रोफाइल ही हमें ध्यान में रखना है। ये लाइन हमें चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ये लाइन जो नहीं चाहिए उन सभी लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी थोड़ा गलत ट्रिम हो गया है। ये लाइन हमें चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब लाइन हम ट्रिम कर देते हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे 5 का रेडियस एक दिया हुआ, सर्कल का रेडियस है 5 का, एक सर्कल बनाते हैं। यहाँ पे 10 का डायमीटर, 10 करके एंटर। फिर यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेना है हमें, लाइन कमांड। यहाँ सिर्फ सर्कल के ऊपर एक बार जाना है, देखो टेंजेंट पॉइंट पे वो लाइन जो है वो चिपक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्लिक लगा देना है। अब इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं, और फिर जो नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देते हैं, इसको और इसको भी ट्रिम, ठीक है दोस्तों। तो इतना हमारा ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे ड्राइंग जो है ये हमें बनाना है। ये बनाने के लिए सबसे पहले तो इस लाइन का ऑफसेट लगाएंगे हम 20 से, यानी 10 पे। पहले दो सर्कल बना लेते हैं, चलो। तो हमें इस लाइन का ऑफसेट लगाना है ऊपर की ओर 10। कमांड लेते हैं डिराइड लाइन, इसको क्लिक, 10 करके एंटर। यानी अभी हमें जो पॉइंट मिला है ये वाला, वो इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। अब 10 का डायमीटर वाला एक सर्कल बनाते हैं, क्लिक, 10 करके एंटर। अभी दूसरा सर्कल, यहाँ पे ये जो सर्कल है इसका डायमीटर है 20। ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इसे, ये जो है वो इस सर्कल का डायमीटर भी हम मान सकते हैं, ठीक है ना। तो 20 के डायमीटर का एक सर्कल बनाते हैं और यहाँ पे एक क्लिक लगा देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये लाइन हमें नहीं चाहिए तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब क्वाड्रेंट पॉइंट से, इस सर्कल के क्वाड्रेंट पॉइंट से एक लाइन हमें ऐसे बना लेना है। आधा सर्कल हम दोनों सर्कल को ट्रिम कर देते हैं। अब इस लाइन को ऑफसेट लगाएंगे, इस तरफ 6 है यहाँ पे, तो इसका आधा ऑफसेट लगाना, यानी 3। इस लाइन को सिलेक्ट, इस साइड 3 करके एंटर। फिर एस्केप, दोनों सर्कल को हमें ट्रिम करना है। यहाँ पर दोनों सर्कल को ट्रिम कर दिया, इस सर्कल को यहाँ पर से, ठीक है ना दोस्तों। और इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, और इसको भी ट्रिम, और इसको ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है, इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है 10, यहाँ पे दिया हुआ है 10। तो कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, ऊपर 10 एंटर। फिर एस्केप, यहाँ पे 10 का डिस्टेंस है, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पर 10 का डिस्टेंस, तो इसको क्लिक, इस साइड 10 करके एंटर। अब ये जो कोना है यहाँ पे हमें 4 का फिलेट लगाना है, फिलेट कमांड, इसको क्लिक और 4 करके एंटर। अब ये जो कोना है इसको हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड। तो आधा ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमें सर्कल बनाने हैं दोस्तों। यहाँ पे ये जो सर्कल है, इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है 10 और इस लाइन का ऑफसेट लगाना है 10, ठीक है ना। तो ऑफसेट कमांड लेते हैं, इसको क्लिक, इस साइड 10 करके एंटर। फिर एस्केप, फिर इस लाइन को नीचे 10 करके एंटर। फिर एस्केप, अब इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं हम, एक्सटेंड कमांड, इसके ऊपर एक क्लिक। अब ये जो पॉइंट मिला है वहाँ हमें 4 के डायमीटर वाला एक सर्कल बनाना है, 4 करके एंटर। फिर एस्केप, दोनों लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे सर्कल दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे दो सर्कल हैं, हमें इस साइड वाला एक सर्कल बनाना है जिसका डायमीटर है 8, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से, इस पॉइंट से 25 और 25, 50 और 2, 52, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक लाइन हम बनाएंगे दोस्तों, लाइन कमांड,
इसके सेंटर पॉइंट से एक लाइन बनाते हैं। अब इस लाइन का हम ऑफसेट लगाते हैं नीचे की ओर 52 पे, 52 करके एंटर। फिर इस लाइन का ऑफसेट लगाएंगे हम 10 के डिस्टेंस पे है, यानी 5 ऑफसेट लगाना है हमें। कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसका ऑफसेट लगाते हैं इस साइड 5 करके एंटर। फिर इस लाइन को यहाँ तक एक्सटेंड कर देते हैं। अब इस पॉइंट पे हमें सर्कल बनाना है 8 के डायमीटर वाला, सर्कल कमांड 8 करके एंटर। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए दोस्तों, वो सभी लाइन को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इतना ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें यहाँ से इस सर्कल से ऊपर 27 ऊपर जाना है और यहाँ पे एक पॉलीगॉन बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो एक लाइन हम बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक। इस लाइन का ऑफसेट लगाएंगे हम 27, कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसको क्लिक ऊपर की ओर 27 करके एंटर। फिर एस्केप। अब इस पॉइंट पे हमें पॉलीगॉन बनाना है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पॉलीगॉन बनाते हैं। पॉलीगॉन के लिए यहाँ पे पॉलीगॉन कमांड है। अब दोस्तों यहाँ पे साइड लेंथ ले लेना है आपको। सबसे पहले स्पेसिफाई पॉइंट, यानी इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम, बाद में साइड लेंथ यहाँ पे लेना है। ठीक है ना, साइड लेंथ हमें साइड लेंथ देना है। यहाँ पे दिया हुआ साइड का लेंथ है 10, 10 करके एंटर। फिर एंगल, रोटेशन एंगल देना है। तो ये जो कोना है, इसका कोना जो है वो सेंटर लाइन पे है, तो हमें अप्रोक्स यहाँ पे रखना है इसे 90 का एंगल देंगे। ठीक है ना, 90 का एंगल अगर दे देते हैं तो वो सही पोजिशन पर आ जाएगा। तो 90 करके एंटर। तो ये हमारा पॉलीगॉन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये सभी लाइन, जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो सभी लाइन को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब पूरा जो ड्राइंग है दोस्तों, पूरा इसको भी हम डिलीट कर देते हैं आधा। अब आधा ड्राइंग का हमें मिरर लगा देना है। ठीक है दोस्तों, मिरर लगा देना है। कमांड लेते हैं मिरर कर्व, सिंगल कर्व यहाँ पे होना चाहिए। ड्राइंग इतना सिलेक्ट करते हैं हम, ये लाइन को भी सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर यहाँ पे आर्क को भी और ये आर्क को भी। इतना ड्राइंग सिलेक्ट कर लिया हमने। अब सिलेक्ट सेंटर लाइन और यहाँ पे एक क्लिक कर देना है और ओके दे देना है। तो दोस्तों ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, पेज नंबर 21 में हमें ये ड्राइंग बनाना है। ये ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले लाइन कमांड से शुरू करेंगे हम। प्रोफाइल कमांड लेते हैं, यहाँ पे एक क्लिक। सबसे पहले 180 का एक लाइन बनाते हैं दोस्तों, 180 करके एंटर। फिर एंटर 90 का एंगल। फिर इस साइड आना है, यहाँ से यहाँ तक का नाप कितना होगा, 60 का डायमीटर है सर्कल का, यानी यहाँ से यहाँ तक का नाप है 60। तो 60 करके एंटर और एंटर। अब नीचे 50 का लाइन बनाना है ये वाला, तो फिर 50 करके एंटर एंटर। फिर दोस्तों एस्केप लगा देना है हमें। अब यहाँ से लाइन शुरू करेंगे हम, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बना लेना है, पूरा सीधा लाइन हमें बना लेना है। ये 10 है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, यहाँ 10 का रेडियस दिया हुआ, 10 का रेडियस मतलब यहाँ से यहाँ तक का नाप 10, तो यहाँ से यहाँ तक का नाप हुआ 20। ठीक है दोस्तों, तो ये भी 20 का नाप है। और यहाँ से यहाँ तक का नाप है 39, यहाँ डायमीटर दिया हुआ 39 का, यानी यहाँ से यहाँ तक का नाप है 39। तो दोस्तों यहाँ पे कैलकुलेशन हम ऐसे करेंगे, 10 ये वाला, 10 बाद में ये 20, 10 20 39 और यहाँ पे 20 और यहाँ पे 10। ठीक है ना, तो 10 प्लस 20 प्लस 39 प्लस 20 प्लस 10 और एंटर। फिर एंगल रहेगा 0, यानी एंटर, यानी हमने ये सभी का टोटल लगा के लाइन बनाया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से ऊपर एक लाइन बना लेंगे हम 80 का, तो 80 एंटर एंटर। फिर एस्केप लगा देना है। अब हमें यहाँ पे इस जगह पे एक आर्क बनाना है जिसका रेडियस रहेगा 58 का। आर्क कमांड, एक क्लिक यहाँ पे, एक क्लिक यहाँ पे। अब माउस को, कर्सर को थोड़ा हिलाना है, लिखना है 58 एंटर। अब किस जगह पे चाहिए हमें, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे एक क्लिक लगा देना है, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे एक क्लिक लगा देना है, हमें यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे कर्सर रख के एक क्लिक लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमें यहाँ पे दो सर्कल रखने हैं, एक 60 का डायमीटर है, सर्कल कमांड, यहाँ मिड पॉइंट पे एक क्लिक, 60 करके एंटर। फिर छोटा सर्कल है 40 का डायमीटर वाला, तो 40 करके एंटर और यहाँ पे एक क्लिक। अब ये जो लाइन है इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं, ये सर्कल को ट्रिम कर देते हैं। तो इतना कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अब हमें ये जो आर्क है इसका ऑफसेट लगाना है 20। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ है 20, कमांड लेते हैं ऑफसेट, इसके ऊपर एक क्लिक, 20 यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके दे देना है।
ठीक है दोस्तों, तो इतना ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से इस पॉइंट से हमें सीधा एक लाइन बनाना है। लाइन कमांड, यहाँ पे एक क्लिक, सीधा यहाँ तक एक लाइन बना लेते हैं। इस लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं। अब इस आर्क को हमें थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्विक एक्सटेंड कमांड है, इसके ऊपर एक क्लिक, इसको हम ट्रिम कर देते हैं। ये डायमेंशन जो है इसको डिलीट लगा देते हैं। अब दोस्तों इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है, सबसे पहले 12.5, बाद में 12.18, बाद में 12, फिर 12, ठीक है ना। तो ऑफसेट कमांड लेते हैं, डिराइव लाइन, इस लाइन को क्लिक, नीचे आते हैं 12.5 करके एंटर, फिर इसी लाइन का ऑफसेट लगाना हमें कितना यहाँ पे दिया हुआ है 12.18, 12.18 एंटर, फिर इस लाइन का ऑफसेट लगाना हमें 12, नीचे आके 12 करके एंटर, फिर इस लाइन का ऑफसेट लगाना हमें यहाँ पे दिया हुआ है 12, ठीक है ना। ये लाइन बनाने के लिए इस लाइन का ऑफसेट लगाएंगे हम 12, 12 करके एंटर, ठीक है दोस्तों। तो इतना ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों ये लाइन बनाने के लिए भी हमें इस लाइन का ऑफसेट लगा देना है एक बार, फिर 12 का, यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ नहीं है लेकिन इसका भी साइज जो है वो 12 है। इसके लिए हम फिर से ऑफसेट कमांड लेंगे हम, डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, नीचे आके 12 करके एंटर, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना है हमें, इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है 15 पे। कमांड लेते हैं फिर से डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, 15 करके एंटर। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए इसको पहले ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड, इस लाइन को ही हम ट्रिम कर देते हैं। अब ये लाइन को हम सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक लाइन बनाना है 25 का। प्रोफाइल कमांड लेते हैं हम, 25 का एक लाइन बना लेते हैं, 25 करके एंटर। 25 का लाइन क्यों बनाना है हमें, यहाँ पे रेडियस दिया हुआ 25 का, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमें यहाँ पे एक सर्कल बनाना है, तो सर्कल कमांड लेते हैं, यहाँ पे एक क्लिक, 25 का रेडियस मतलब 50 का डायमीटर, तो 50 करके एंटर, ठीक है दोस्तों। अब इस क्वाड्रेंट पॉइंट से हमें एक लाइन बनाना है जिसका नाप है 33, यहाँ पे एक क्लिक, इस साइड आते हैं 33 करके एंटर, एंगल रहेगा 0 यानी एंटर। फिर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एक क्लिक, ऊपर जाएंगे, 10 का लाइन बनाना है, 10 करके एंटर, एंगल रहेगा 90 का यानी एंटर। फिर यहाँ पे एक क्लिक, अब यहाँ पे एंगल दिया हुआ है 61.37 का, ठीक है ना। तो लाइन हमें ऐसे ही रखना है यहाँ पे, जिसका कुछ नाप, लेंथ का कुछ नाप नहीं देना है दोस्तों, लेंथ नहीं देना है इसका कुछ भी, सिर्फ एंटर लगा देना है। अब एंगल देना है 61.37 और एंटर। और जो नहीं चाहिए वो सभी लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड, इसको भी ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसका हम ऑफसेट लगाते हैं 30 पे, ठीक है ना। कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, इस साइड 30 करके एंटर। दोनों लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं, यहाँ पे जो दो लाइन है ये दोनों लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं। क्विक ट्रिम कमांड, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसको, इसको और इसको भी ट्रिम कर देते हैं, ठीक है ना। और ये लाइन को हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे इस लाइन का ऑफसेट लगाना है, इसके लिए 25, कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसको क्लिक, इस साइड 25 करके एंटर। फिर ट्रिम कमांड लेते हैं हम, इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको, इसको और इसको, यहाँ पर भी हमें ट्रिम करना है, ट्रिम कमांड, इसको ट्रिम कर देते हैं और इसको ट्रिम कर देते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए उसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। तो इतना ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे एक सर्कल रखना है हमें, यहाँ से एक लाइन हम बनाएंगे, लाइन कमांड, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक का बना लेते हैं और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। अब इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है वहाँ पे हमें सर्कल रखना है जिसका रेडियस दिया हुआ 5 का यानी डायमीटर होगा 10, 10 करके एंटर। बाद में दोनों लाइन को डिलीट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आगे बढ़ना है, यहाँ पे एक सर्कल दिया हुआ है 20 का डायमीटर, सर्कल कमांड, छोटा सर्कल जो है 20 करके एंटर, और बड़ा सर्कल है 39 का डायमीटर, 39 करके एंटर, और यहाँ पे एक क्लिक। अब इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है दोस्तों, इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है ऊपर 15 पे, ठीक है ना। कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, 15 करके एंटर, फिर एस्केप लगा देना है। अब इस लाइन का हम ऑफसेट लगाते हैं दोस्तों, कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, सॉरी कमांड अभी नहीं आया है, डिराइव लाइन कमांड, इसके ऊपर एक क्लिक, 10 एंटर, फिर रहेगा ये 10 का ऑफसेट लगा लिया, फिर रहेगा ये 20, क्योंकि यहाँ पे रेडियस 10 का दिया हुआ, यानी दोनों लाइन के बीच में डिस्टेंस है 20 का,
तो 20 करके एंटर, फिर इस साइड आएंगे, इसी लाइन का ऑफसेट लगाएंगे हम 39, एंटर, फिर इस लाइन का ऑफसेट लगाएंगे हम 20, एंटर। अब एस्केप लगा देना है दोस्तों, जो लाइन नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड, इसको ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं और इसको भी। अब ये दोनों जगह पे हमें रेडियस 10 का रेडियस वाला सर्कल बनाना है। सर्कल कमांड लिया, 20 करके एंटर, डायमीटर देना इसलिए हमने 20 करके एंटर कर दिया और यहाँ पे एक क्लिक। तो अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो सभी लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं, ये सर्कल भी नहीं चाहिए आधा सर्कल, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम, इसको भी ट्रिम कर देते हैं और इसको भी ट्रिम, ये पूरा लाइन ट्रिम और इसको ट्रिम। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर इस ड्राइंग में कुछ भी समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, पेज नंबर 21 में ये ड्राइंग हमें बनाना है। तो सबसे पहले सर्कल कमांड लेते हैं, एक 18 का डायमीटर और एक 22 का डायमीटर, दो सर्कल बनाने हमें, 18 करके एंटर, फिर 22 करके एंटर, यहाँ पे एक क्लिक। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ 100, तो 100 का एक लाइन बनाना है हमें, यहाँ पे एक क्लिक, 100 करके एंटर, एंटर। अब इस जगह पे, यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमें 45 का रेडियस यानी कि 90 का डायामीटर, 90 का डायामीटर वाला एक सर्कल बनाना है, 90 करके एंटर। फिर दोस्तों एस्केप लगा देना है, फिर यहाँ से एक लाइन बनाना है दूसरा 5 का, यहाँ पे दिया हुआ 5, 5 का एक लाइन बनाते हैं, 5 करके एंटर, दोबारा एंटर। और इस जगह पे हमें सर्कल बनाना है 36 का रेडियस वाला, तो सर्कल कमांड, यहाँ पे एक क्लिक, 36 × 2 यानी 72, 72 का डायमीटर वाला एक दूसरा सर्कल हमने बना लिया है। ठीक है, अब इस दोनों लाइन को हम डिलीट कर देते हैं, दोनों लाइन हमें नहीं चाहिए। अब दोस्तों इसमें हमें टेंजेंट पॉइंट का उपयोग करना है, लाइन कमांड, यहाँ पे किसी भी जगह पे क्लिक, फिर यहाँ इस सर्कल पे आना है। देखो यहाँ पे लाइन फिक्स हो जाता है जब टेंजेंट पॉइंट पे क्लिक होता है, टेंजेंट पॉइंट पे कर्सर जाता है तो लाइन जो है वो चिपक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें एक क्लिक लगा देना है, यहाँ पे आके एक क्लिक, वैसे ही यहाँ से एक लाइन बनाना है, यहाँ से यहाँ तक एक और लाइन क्लिक, फिर दोस्तों यहाँ पे एक क्लिक करना है और इस सर्कल के ऊपर जाना है हमें, छोटा जो सर्कल है यहाँ पे एक क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक क्लिक, टेंजेंट पॉइंट पे जब टच होता है लाइन तो उस वक्त हमें क्लिक लगा देना है, ठीक है ना, यहाँ पे एक क्लिक। अब लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड, जो लाइन हमें नहीं चाहिए वो सभी लाइन को हम ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे 90 के एंगल पे दो लाइन बनाने हैं हमें, लाइन कमांड, यहाँ पे क्लिक, इस साइड आते हैं, लाइन का लेंथ कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ एंटर लगा देना है, 45 करके एंटर, फिर यहाँ पे एक क्लिक, इस साइड आते हैं, लाइन का लेंथ कुछ नहीं देना है, सिर्फ एंटर दे देना है और एंगल रहेगा 90 से 45 प्लस यानी 135, 135 करके एंटर। अब ट्रिम कमांड का उपयोग करके लाइन ट्रिम कर देते हैं और यहाँ पे सर्कल भी ट्रिम कर देते हैं। तो दोस्तों ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, टेंजेंट पॉइंट लाइन का उपयोग करना हमें कंप्लीट हो चुका है। अगर इस ड्राइंग समझने में, इस ड्राइंग को समझने में कुछ भी दिक्कत है तो प्लीज़ इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू। हेलो दोस्तों, पेज नंबर 21 में हमें ए ड्राइंग बनाना है। ए ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन बनाना है, कमांड लेते हैं, लाइन कमांड, यहाँ पे एक क्लिक, ऊपर की ओर एक 25 का लाइन बनाते हैं, बाद में 65 + 10 यानी 75, पहले 25, एंटर, एंटर, फिर 75 का एक लाइन बनाना है दोस्तों हमें, यहाँ से 75 करके एंटर, एंटर। ठीक है, दो लाइन हमने बना लिए यहाँ पे। अब दोस्तों ये जो 25 का लाइन है, ये वाला लाइन, इसका हमें ऑफसेट लगाना कितना, 50 का आधा यानी 25 और प्लस 10, ठीक है ना, 50 का आधा यानी 25 और 10 ये यानी 35, ऑफसेट लगाना है 35 पे, कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसको क्लिक, इस साइड 35 करके एंटर। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है, यहाँ पे दिया हुआ है 50, तो 25 का ऑफसेट लगाते हैं इस लाइन को, ऑफसेट कमांड अभी चालू है, 25 करके एंटर। फिर लाइन कमांड लेके हमें एक लाइन यहाँ पे बनाना है दोस्तों, एक लाइन यहाँ पे बना लेते हैं। अब इस लाइन का हमें नीचे ऑफसेट लगाना है कितना, 20, ठीक है ना, तो कमांड लेते हैं डिराइव लाइन, इसके ऊपर एक क्लिक, अब इस लाइन को सिलेक्ट, नीचे की ओर ऑफसेट लगाना हमें 20 पे, ठीक है ना दोस्तों, 20 करके एंटर। फिर एक बार एस्केप, अब इस लाइन का ऑफसेट लगाना है इस तरफ 10, यहाँ पे दिया हुआ डिस्टेंस 10 का, ठीक है ना, तो इसके ऊपर एक क्लिक,
इस साइड 10 करके एंटर फिर एस्केप। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए दोस्तों उसको हम ट्रिम कर देते हैं, इसको ट्रिम, इसको ट्रिम, इसको भी ट्रिम और इसको भी ट्रिम। अब यहाँ पे हमें एक आर्क लगाना है जिसका रेडियस दिया हुआ है 100। कमांड लेते हैं आर्क कमांड, एक क्लिक यहाँ पे दोस्तों, एक क्लिक यहाँ पे, अब 100 करके एंटर, फिर आर्क हमें कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए या यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस जगह पे हमें क्लिक लगा देना है। ठीक है दोस्तों, इतना कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, एक सर्कल बनाना है यहाँ पे, ए वाला जो सर्कल है 50 का डायमीटर रहेगा इसका, यहाँ पे जो डिस्टेंस दिया हुआ 50, यानी सर्कल का डायमीटर है 50, ठीक है ना। सर्कल कमांड लेते हैं यहाँ पे क्लिक और 50 करके एंटर। फिर दोस्तों यहाँ से यहाँ हमें लाइन बना लेना है, यहाँ से यहाँ तक एक, और जो नहीं चाहिए उसको हम ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड, इसको ट्रिम और इसको भी ट्रिम। आधा ही हमें ड्राइंग बनाना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 10 का डिस्टेंस, ठीक है ना। तो इस जो ये आर्क है इसका हमें ऑफसेट लगाना है 10। कमांड लेते हैं ऑफसेट, इसके ऊपर एक क्लिक, 10 यहाँ पे है ही, तो ओके दे देना है। अब इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है कितना, यहाँ से देखो यहाँ ये लाइन बनाने के लिए यहाँ से 15 है, तो अब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 20 का डायामीटर इस सर्कल का, मतलब आधा कितना हुआ, रेडियस 10। तो यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ 15, तो 15 और 10 हुआ 25। तो इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है 25 पे, यहाँ पे क्लिक 25 करके एंटर। अब जो लाइन हमें नहीं चाहिए पहले उसको ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम करने का जो काम है दोस्तों थोड़ा उसी वक्त कीजिएगा ताकि ड्राइंग जो है वो साफ सुथरा दिखे आपको, ठीक है ना। अब दोस्तों इस लाइन का हमें ऑफसेट लगाना है नीचे की ओर 35, यहाँ पे दिया हुआ 35, ठीक है ना। कमांड लेते हैं डिराइव्ड लाइन, इसके ऊपर क्लिक, नीचे की ओर 35 करके एंटर, फिर एस्केप, लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं हम यहाँ तक। अब ट्रिम कर देते हैं इस आर्क को। अब यहाँ पे दोस्तों एक सर्कल, यहाँ पे एक सर्कल बनाना है जिसका डिस्टेंस, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे 50 का डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। तो इस लाइन का हम ऑफसेट लगाएंगे 25 पहले, 25 ऑफसेट लगाएंगे, या फिर यहाँ से एक लाइन और यहाँ से एक लाइन बनेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो भी इस सर्कल का सेंटर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट भी वैसे 50 पे ही है। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमें सर्कल बनाना है, यहाँ पे लिखा हुआ 4 होल 8 डाया, यानी ये जो चारों होल है 1 2 3 4, चारों होल जो है वो 8 के डायमीटर के, ठीक है ना। तो यहाँ इंटरसेक्शन पॉइंट अभी नहीं मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट हमें चालू करना है यहाँ से, इंटरसेक्शन पॉइंट, सर्कल का डायमीटर है 8 का, 8 करके एंटर। दोनों लाइन हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पर भी एक सर्कल हमें रखना है जिसका नाप दिया हुआ है सेंटर लाइन से 36 का ऑफसेट लगाना है, ठीक है ना, 36 जो है इसका आधा। तो कमांड लेते हैं डिराइव्ड लाइन दोस्तों, 18 करके एंटर और एस्केप, फिर इस लाइन को क्लिक, नीचे आते हैं 10 करके एंटर। ठीक है दोस्तों, अब इस जगह पे हमें सर्कल रखना है 8 का डायमीटर वाला, सर्कल कमांड 8 करके एंटर, फिर दोनों लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे एक सर्कल रखना है 20 का डायमीटर वाला, सर्कल कमांड क्लिक, 20 करके एंटर, सर्कल को ट्रिम कर देते हैं, ट्रिम कमांड। तो दोस्तों ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सिर्फ मिरर लगाना है इसका, ठीक है ना। तो कमांड लेते हैं मिरर कर्व, पूरा ड्राइंग सिलेक्ट करना है हमें, पूरा ड्राइंग सिलेक्ट कर देते हैं, जो भी लाइन बच जाता है सभी को सिलेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब सिलेक्ट सेंटर लाइन यहाँ पे क्लिक करना है और इस लाइन पे क्लिक करना है और ओके दे देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर ये ड्राइंग समझने में कुछ भी दिक्कत है, किसी भी जगह पे दिक्कत है, तो प्लीज़ इसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, थैंक यू।